हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट आकाश ट्यूटोरियल्स, माय चैनल मेड एन टू टी, अ चैनल डेवोटेड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर्स। चलिए आज आपसे मैं एक दो प्रश्न पूछता हूँ। द क्वेश्चन इज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन Even in the absence of pollinating agent, seed setting is assured in. मतलब pollinating agent, परागण pollinating agent के absence में भी बीज किस्में बनेगा। Camelina, Zostera, Salvia, Fig. ये NEET यानी medical 2012 का 2012 का question है, जिसमें पूछा है कि इसमें से किस में बीज पराग पोलिनेटिंग एजेंट के ऑप्शन के ऑप्शंस में बनेगा, मतलब परागण वाहक की अनुपस्थिति में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इच, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। ये 2013 में और 2014 में सेम क्वेश्चन आया। 1994 सेम क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चंस जो मैं उठाया हूँ, इनका आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, और ये मैं प्रश्न इसलिए पूछा ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि हम जो कुछ भी करा रहे हैं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है आपको नीट की तैयारी करवाना। चलिए तो बात शुरू करते हैं। हम आपसे कुछ डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन पूछे, मेडिकल में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पोलिनेशन यानी परागण क्या है, व्हाट इज पोलिनेशन। सिंपल टॉपिक है एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर 12th एज वेल एज क्लास 10 पार्टिसिपेंट। जैसा कि मैंने कहा कि माय वीडियो इज डिवोटेड टू दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू बी अ डॉक्टर। मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जो जिन्हें डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है, जो मेडिकल की तैयारी ढंग से नहीं करना चाहते, उनके लिए तो कोई बात नहीं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं, बिकॉज We have quality materials। चलिए बात करें पोलिनेशन। पोलिनेशन या परागण का सिंपल सा डेफिनेशन है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू अस्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का एंथर परागकोष से अस्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। हिंदी में भी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। परागण क्या है? पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्लियर। अब पोलिनेशन की जहां तक बात हो गई, पोलिनेशन को दो भागों में बांटा गया है। पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल्फ पोलिनेशन या जिसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण, और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। ये परागण के दो भाग हैं, सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण और क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। आज हम बात करेंगे
सेल्फ पोलिनेशन की या परपरागन की। ठीक है, अब सेल्फ पोलिनेशन भी इस तरह से कहिए, दो इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और दूसरा होता है गिटोनोगैमी। एक हो गया ऑटोगैमी और दूसरा हो गया गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी को कहते हैं स्वायुग्मन, ऑटोगैमी या स्वायुग्मन, ऑटोगैमी या स्वायुग्मन और गिटोनोगैमी या सजात पुष्पी, सजात पुष्पी। ठीक है, अभी तक हम ये बात किए थे पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पराग कोष से वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन दो तरह का, स्वपरागन और परपरागन, यानी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन दो तरह का, ऑटोगैमी या स्वयुग्मन और गिटोनोगैमी या सजात पुष्पी। चलिए अब हम पहले बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन क्या है, पहले बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन क्या है, बात नीट की, बात मेडिकल की। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग शीघ्र सफलता को पाए, फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी लास्ट अटेम्प्ट। तो पहले हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन क्या है, सेल्फ पोलिनेशन या इसे कहेंगे हम लोग स्वपरागण। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के ट्रांसफर। सेल्फ पोलिनेशन का अर्थ होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के ट्रांसफर। हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण। सेल्फ पोलिनेशन क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन मीन्स होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। अर्थात पोलिनेशन क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसमें हम कहेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के ट्रांसफर होना, बिना किसी बाहरी कारक के ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर है ना, बिना किसी बाहरी एजेंट के पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, दैट दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अभी हम बात किए थे सेल्फ पोलिनेशन की टाइप्स की, टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन की। पहला ऑटोगेमी, पहला ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या है इसको समझिए। ऑटोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, ट्रांसफर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ध्यान रखिए ऑटोगैमी क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ध्यान रखिएगा ये हमेशा पॉसिबल है बाईसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, उभय लिंगी पुष्प में ही हो सकता है, उसी फ्लावर में होगा जिसमें मेल और फीमेल यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपका
ये क्या हो गया आपका एंथर और यहां है आपका स्टिग्मा, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों साथ साथ। तो कह रहा है क्या कि जब जब पॉलन ग्रेन मैच्योर पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड होगा देन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन विल बी कॉल्ड ऑटोगैमी। क्लियर, ऑटोगैमी। आगे कह रहा है क्या, क्लियर। तो ऑटोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी। दूसरा होता है सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप है जिसे हम कहते हैं गीटोनोगैमी। दूसरा टाइप है गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी भी सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप है बट ये ऑटोगैमी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो कह रहा है क्या कि गीटोनोगैमी इज अ सेल्फ पोलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ध्यान रखिएगा ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होगा, बाइसेक्सुअल में होगा, जबकि गीटोनोगैमी में ये नहीं कहेंगे सेल्फ यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल है, बट इसमें क्या होगा कि एक फ्लावर से के एंथर से पोलन ग्रेन लैंड करेगा दूसरे फ्लावर पर, सेम फ्लावर में पॉसिबल नहीं है। गीटोनोगैमी करा पॉलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अर्थात इसमें क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट में दो फ्लावर, एक ये फ्लावर हो गया दो फ्लावर्स, यहां से एक फ्लावर से सेम प्लांट पर दो फ्लावर्स है, यहां ये हो गया आपका एंथर और ये है स्टिग्मा। तो कह रहा है सेम प्लांट के मेल फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम लोग कहेंगे गीटोनोगैमी, ठीक है। मैच्योर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा क्या एंथर से सेम प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करेगा। इसी के लिए भी ध्यान रखिए किसी हमें एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2014 में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, यानी पूछा था गीटोनोगैमी इन वॉल्व्स, क्वेश्चन पूछा था गीटोनोगैमी इन वॉल्व्स, क्या इसमें ऑप्शन दिए हुए थे 2014 में। तो गीटोनोगैमी इन वॉल्व्स, तो उसका यही आंसर था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, ट्रांसफर की बात नहीं की, उसमें पूछा था, तो उसका आंसर था कि फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट,
इसमें जो ऑप्शन था डिटोनोगैमी इन्वॉल्व उसका आंसर था पॉलिनेशन सॉरी फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंकर ऑफ फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर। चार ऑप्शन थे जिसमें ये करेक्ट आंसर था, इस टाइप से पूछा था। तो ध्यान रखिएगा हम लोग इसमें पोलिनेशन की बात कर रहे हैं बट यहाँ फर्टिलाइजेशन पर आ गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट पोलिनेशन एक्टिविटी है, पोस्ट पोलिनेशन एक्टिविटी है। तो इसीलिए पूछा था गिटोनोगैमी इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाई पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द सेम प्लांट। इसी से रिलेटेड था कि एडवांटेज ऑफ गिटोनोगैमी ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्लिस्टोगैमी का क्या था, तो क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज था, चलिए आगे बात करें, क्लिस्टोगैमी की बात करेंगे आगे। चलिए आगे अब कह रहा है ये ऑटोगैमी के लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए आवश्यक इसेंशियल कंडीशन कौन कौन से, सेल्फ पोलिनेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। Conditions for self pollination. तो self pollination के हम लोग दो conditions की बात करेंगे। पहला condition है homogamy. Homogamy क्या है? Homogamy जिसको हिंदी में कहते हैं समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, ध्यान रखिएगा homogamy या समकाल पक्वता, पहला ये एसेंशियल कंडीशन है सेल्फ पोलिनेशन के लिए। इसके लिए पहला एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो आपके पोलिनेशन के लिए एसेंशियल क्या थे, एंथर और स्टिग्मा। चलिए हम टिपिकल फ्लावर्स ये स्टडी कर लेते हैं। ये आपका फ्लावर्स है ना, फ्लावर का ये आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल है, ओवरी हो गया, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, और ये फिलामेंट और एंड। तो फर्स्ट कंडीशन थी जिसे होती है कहते होमोगैमस, होमोगैमस, होमोगैमस मीन्स होता है आपका एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो जाए, क्योंकि एंथर जब मैच्योर होगा तो ब्रस्ट अप करेगा, फटेगा और यहां से पॉलन ग्रेन इस पर लैंड करेगा। अब मान लीजिए क्योंकि इसमें जो कॉम्पेटिबिलिटी होती है यानी स्टिग्मा, स्टिग्मा पोलिनेशन ऐसा नहीं कि कभी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा तो वो पोलिनेट हो जाएगा, नहीं, इसका एक फिक्स टाइम होता है, इनकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लावर सेट अप कर जाएगा, यानी आपका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के हार्मोन्स इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। इसीलिए आवश्यक है कि एंथर से स्टिग्मा पर उस अवधि के दौरान, जैसे कुछ फ्लावर्स में कुछ मिनट की होती है, खासकर से सेल्फ पोलिनेशन में कुछ में 12 से 24 घंटे की होती है या कुछ में 1 से 2 दिन तक ये फ्लावर्स होता है। तो जनरली ये आपको कुछ आवर ही होता है, उतने देर में अगर इसको पोलिनेशन मिल गया तो फर्टिलाइज हो गया, पोलिनेट हो गया, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि जब पोलिनेट होगा तो उसमें पोलन ट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाएगा, बट अगर उस पीरियड में तक अगर पोलिनेशन नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद अगर पोलिनेशन लैंड भी कर पाएगा तो क्या करेगा, स्टिग्मा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो इसमें कह रहा है क्या कि पोलन ग्रेन्स एंथर और स्टिग्मा मस्ट मैच्योर एट सेम टाइम, होमोगैमस कहते हैं,
एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा मस्ट मैच्योर एट सेम टाइम. और सो दैट स्टिग्मा बिकम रिसेप्टेकल्स ऑफ पोलन ग्रेन, ताकि सेम टाइम हो, यानी ताकि जो स्टिग्मा है इसको रिसीव कर सके, इसको ग्रहण कर सके. अदरवाइज भाई मैंने कहा ना, इसके लिए आवश्यक यही है कि ये होमोगैमस हो, इसमें समपालपक्व हो, अर्थात एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम में मैच्योर हो, ताकि सो दैट स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके, रिसेप्टिकल्स हो सके और आगे वो उसमें पॉलन ट्यूब डेवलप हो सके. इसके एग्जांपल है, एग्जांपल ध्यान रखिएगा, मिराबिलस जिसे हिंदी में कहते हैं गुलाबांस, मिराबिलस गुलाबांस. दूसरा एग्जांपल है सदाबहार कैथेरेंथस रेस्टिविशियस, कैथेरेंथस रिसियस सदाबहार. फिर हो गया आपको ओरिजा सेटिवा, ओराइजा सेटाइवा धान, या फिर है ट्राइटिका गेहूं, और सोलेनम ट्यूबर, सोलेनम ट्यूबर सब. यानी कह सकते हैं हम लोग कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या होता है, वो होमोगैमस होना चाहिए, समकालपक होना चाहिए. जैसे क्या हो गया आपको कैथेरेंथस रेसियस सदाबहार, मिराबिलस गुलाबांस, ओराइजा सैटिवा धान, ट्राइटिकम गेहूं, सेलाइनम ट्यूबरसम आदि. इन सबों में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लिस्टोगैम. तो पहला हो गया होमोगैमस होना चाहिए, दूसरा क्लिस्टोगैमस. अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिसमें कोई आवश्यक नहीं कि एंथर पर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन तुरंत ही लैंड कर सके. जैसा कि मैंने कहा था ना कि एक फ्लावर मेल फ्लावर ऊपर है और फीमेल नीचे है, तो उसमें इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि बस कुछ मिनट के अंदर ही कॉम्पेटिबल होता है, यानी कुछ मिनट के अंदर इसको रिसीव कर सकता है, बट ऐसा सब में पॉसिबल नहीं है. अगला है क्लिस्टोगैमी, इसकी बात करेंगे. क्लिस्टोगैमी जिसे कहते हैं अनुमिल्य परागण, अनुमिल्य परागण, इसे मेडिकल में 2011 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया. इसमें कहते हैं कि द सेल्फ फर्टिलाइजेशन विद इन परमानेंटली क्लोज फ्लावर. अब क्लिस्टोगैमी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हम बात किए थे अभी होमोगैमी की, तो होमोगैमी ओपन फ्लावर में होता है. कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो ब्लोन नहीं करते हैं, कुछ फ्लावर नहीं खिलते हैं, तो जो फ्लावर नहीं खिलते हैं इनको क्लिस्टोगैमी फ्लावर कहते हैं. और ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स में हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं. तो कह रहा है कि इसमें एंथर एंड स्टिग्मा पहला डजंट गॉट एक्सपोज. क्लिस्टोगैमी पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें इनकी जो फीचर है क्या है कि एंथर एंड स्टिग्मा डजंट गॉट एक्सपोज, ये बाहर निकलते ही नहीं. जैसे जैसे आपने कहानी सुनी होगी बचपन में भी
कि एक राजा थे, वो चाहते थे कि भाई मुझे गुलर का फूल दिखा दो। तो जब गुलर की में जब कलियां आई तो कहा जाता है कि उसके नीचे वो खाट डालकर बैठ गए और अपने सारे पहरेदारों को, मंत्रियों को, सैनिकों को लगा दिए ड्यूटी पर कि जैसे ही इसका फूल खिले हमें जगा देना, हमें बता देना। लेकिन उस महाराज को गुलर का फूल नहीं दिखा। तभी से एक कहावत ही हो गया है कि गुलर का फूल मतलब नहीं देखा गया, दिख पाना। तो वो होता यही है। इसमें क्या होता है, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, वो क्लोज स्टेज में यानी बड स्टेज में कली की अवस्था में ही वो फ्लावर ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है, वो पोलिनेट हो जाता है। और पोलिनेट होने के बाद वो सीधा डायरेक्ट फ्रूटिंग उसका स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए देखिए गुलर में बहुत ज्यादा सीड होता है, क्योंकि गुलर यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, इसका एक भी आप कहिए ना तो पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय होता है, बेकार होता है, वेस्टेज होता है, और ना ही ओबम का। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन विद इन परमानेंटली क्लोज फ्लावर, इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये क्या, सेल्फ फर्टिलाइजेशन विद इन परमानेंटली क्लोज फ्लावर। एक तो ये है परमानेंटली क्लोज फ्लावर, ये कहता है क्लिस्टोगैमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन विद इन परमानेंटली क्लोज फ्लावर। फ्लावर बंद है यानी इसको ये बड स्टेज में ही, वो बड स्टेज ही होता है, बड स्टेज से बाहर नहीं आता है और उसी कंडीशन में पोलिनेट हो गया। पोलिनेशन के बाद वो फर्टिलाइज हो गया। तो अगर ऐसा फर्टिलाइजेशन उसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो अंतर और स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल ड्रोसेरा, जंकस, ड्रोसेरा जंकस, सैक्सी फ्रेगा, सैक्सी फ्रेगा, उसके बाद हो गया आपका ऑक्जेलिस, बायोला एंड कैमेलिना। क्लियर, यानी क्लिस्टोगैमस में गैमी किसमें होता है, ड्रोसेरा जंकस सैक्सी फ्रेगा ऑक्सैलिस वायोला एंड कैमेलिना, इनमें क्लिस्टोगैमी देखने को मिलता है। यानी इनके फ्लावर्स एक्सपोज नहीं होते हैं, इनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं बड स्टेज में ही ये में ये पोलिनेट हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इनकी एडवांटेज क्या है, इनकी एडवांटेज, वैसे तो आपको सेल्फ पोलिनेशन की ही बात करेंगे, इनकी खास कर एडवांटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ पोलिनेटर, इनको पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोलिनेटर। दूसरा कह रहा है क्या, सीड प्रोडक्शन इज पॉसिबल इन इवन अनफेवरेबल कंडीशन। सीड प्रोडक्शन इज पॉसिबल इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे देखिए कई बार होता है ना अनफेवरेबल कंडीशन, कई बार होता है कि कुछ ऐसे कंडीशन बन गया कि आपका पोलिनेशन नहीं हो पाया, मतलब बारिश हो रही है उसी समय पोलिन लैंड किया तो क्या हो गया, स्टिग्मा पर पोलिन ग्रह भी लैंड किया, बारिश हो रही थी वो वहां से वर्षा में हो गया, तो वहां पर पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये एक डिसएडवांटेज होता है एक्सपोज फ्लावर की। अब फ्लावर एक्सपोज है ही नहीं, एंथर स्टिग्मा एक्सपोज है ही नहीं, तो क्या उस कंडीशंस में ही ये फर्टिलाइज कर जाएगा और उस कंडीशंस में भी ये फ्लावर बन जाएगा। तो कह रहा है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज, अगर एक एडवांटेज की बात करें क्रिस्टोगैमी की, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सीड प्रोडक्शन पॉसिबल है।
इसका डिसएडवांटेज वही चीज है क्या, इनमें वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। एकमात्र डिसएडवांटेज वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, उसे तो सेल्फ पोलिनेशन जितना भी है उनमें वेरिएशन नहीं हो सकता, जेनेटिक म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात वो अपने आप को चेंजिंग एटमोस्फेयर के अनुरूप बहुत ज्यादा एडॉप्ट नहीं कर सकता। आय करें क्या, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है एरियल और अंडरग्राउंड फ्लावर। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं, कुछ में ऐसे इसकी पॉसिबिलिटी होती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर की जो बात होती है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैव एरियल और अंडरग्राउंड फ्लावर, एरियल और अंडरग्राउंड फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कहते हैं अंडरग्राउंड फ्लावर हो, मतलब फ्लावर भूमि के अंदर हो, अगर ट्रू क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करेंगे तो मान लीजिए वो अंडरग्राउंड। जैसे एग्जाम्पल है सिबुलेरिया एक्वेटिका, सिबुलेरिया एक्वेटिका, ये आपको क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम पूछा जा सकता है। और पॉलीकार्जन, पॉलीकाजोना टेट्राफिलम, ये दो ऐसे फ्लावर हैं जिसमें अंडरग्राउंड फ्लावर होता है, अंडरग्राउंड क्लिस्टोगैमी होता है, यानी इनके फ्लावर भूमि के अंदर ही खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, इनके अंदर ही ये पोलिनेट होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे अब इनके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज। सेल्फ पोलिनेशन की एडवांटेजेज क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेज क्या क्या हैं। तो अगर इनकी एडवांटेजेस की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है सेल्फ पोलिनेशन की एडवांटेजेस की, तो इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है देयर इज नो वेस्टेज ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी। लाइफ प्रोसेस के दौरान इन्हें किसी प्रकार की बायोकेमिकल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले कहता है कि नो नीड ऑफ अबंडेंट पॉलन ग्रेन, नो नीड ऑफ अबंडेंट पॉलन ग्रेन, ये भी ध्यान रखिए बहुत बड़ी एडवांटेज है ये पॉलन ग्रेन। अगर एक या दो पॉलन ग्रेन हो तो भी काम चल जाएगा, इनको बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होगी। आगे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के पॉलन ग्रेन के प्लांट में कितनी पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होगी, किस टाइप के पोलिनेशन में। इसमें पहला एडवांटेज कहता है अबंडेंट पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड इज पॉलिनेशन इज इजी एंड सिंपल, पॉलिनेशन इज इजी एंड सिंपल, ये इजी और सिंपल पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इज इजी एंड सिंपल। आई करा प्योर वेराइटी ऑफ सीड इज obtained, pure variety of seed is obtained, इसमें जो seed बनता है वो pure होता है, इसलिए कि इसमें चूंकि pollen grain same flower का होगा या same plant का होगा या unexposed होगा, इस conditions में इनमें genetic variation possible नहीं है। और इसी से रिलेटेड, इसी के एडवांटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज, उसमें था नो डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटर, ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, इनको पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें, ये टॉपिक ये था 2013 में पूछा था क्लिस्टोगैमी की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का इनमें से एक एडवांटेज कौन है, उसका आंसर था कि पोलिनेटर पर
इनकी डिपेंडेंस नहीं होती है, ये निर्भर नहीं करते हैं। इनकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज तो पहला कहता हाइब्रिड विगोर इज लेस इन सीड, विगोरिटी इज लेस इन सीड, हाइब्रिड विगोरिटी इज लेस इन सीड। इट मीन्स जो सीड है उनमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, उनमें विविधता पॉसिबल नहीं है, हाइब्रिड विगोरिटी इज लेस। सीड्स आर लेस इन नंबर, वन या टू सीड, या ऐसा भी हो सकता है कि सीड ना हो। सीड्स आर लेस इन नंबर, बहुत कम सीड देखने को मिलेंगे, इसीलिए कि इनमें इनमें इनके ओवम में ओव्यूल बहुत कम बनेंगे, ओव्यूल बहुत कम बनेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर इज नॉट पॉसिबल, इंटरमिक्सिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर इज नॉट पॉसिबल। इसमें जेनेटिक कैरेक्टर का इंटरमिक्सिंग नहीं पॉसिबल होता है, संभव नहीं होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं पॉसिबल है। प्लांट्स आर वीक एंड सीक। प्लांट्स प्रायः कमजोर होंगे और बीमार बनेंगे, ठीक है। दिस वाज द टॉपिक दैट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन टुडे, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन पर हम इतनी बात किए। इसमें हम कुछ नीट से भी क्वेश्चंस उठाए हैं, आगे इसी तरह से आपके लिए जो वीडियोज बनाएंगे उसमें नीट से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स अवश्य देंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए और आप लोगों में जो नीटोफोबिया है वो दूर हो सके। और जब भी आप नीट की तैयारी करें तो फर्स्ट डे से ही अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड करके चलें, और आपको कभी ऐसा ना लगे, आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।